हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड इट्स डिस्ट्रिक्ट्स। इसमें हम कुछ पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, जैसे कि जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसके बाद हम जानेंगे डिस्ट्रिक्ट्स टचिंग बाउंड्री ऑफ अदर स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड कंट्रीज। उसके बाद हम जानने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट्स शेयरिंग बाउंड्री अमंग ईच अदर। और लास्ट में हम जानेंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स और उनके हाइट। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए बढ़ते हैं आज की टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में। सो इसकी जो लोकेशन है वो कुछ इस प्रकार है। 30 डिग्री 22 मिनट 40 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 33 डिग्री 12 मिनट 40 सेकेंड उत्तरी अक्षांश और 75 डिग्री 45 मिनट 55 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 4 मिनट 20 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच में, इनके बीच में ही हिमाचल प्रदेश की लोकेशन आती है। सो अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश टचिंग बाउंड्री ऑफ अदर स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड कंट्रीज। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग तीन टाइप से करी हुई है, ब्लैक, रेड एंड ग्रीन। ब्लैक मीन्स स्टेट, रेड मीन्स यूनियन टेरिटरीज और ग्रीन मीन्स कंट्री। तो स्टेट्स की बात करें तो सबसे पहले नंबर 1 हरियाणा, नंबर 2 पंजाब, नंबर 3 उत्तराखंड और नंबर 4 छोटा सा दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश। ये चार राज्य हैं जो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमाएं टच करते हैं। दूसरा यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो नंबर 1 पे आता है लद्दाख और नंबर 2 पे जम्मू कश्मीर। पहले ये एक स्टेट हुआ करती थी, तो कुल स्टेट्स 5 थी जो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमाएं साझा करती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में बात करें तो 4 स्टेट्स हो गई और 2 यूनियन टेरिटरीज हो गई। और लास्ट में बात करते हैं ग्रीन, और ये है कंट्री की। तो चाइना यानी तिब्बत का जो एरिया है वो भी हिमाचल प्रदेश के साथ टच करता है। तो ये बात हो गई बाउंड्रीज की, जो अदर स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और कंट्रीज के साथ हिमाचल प्रदेश साझा करता है। तो अभी मैंने क्या कहा, कंट्री चाइना यानी तिब्बत के साथ बाउंड्री साझा करता है। स्टेट्स की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और यूपी। और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। सो अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट्स टचिंग बाउंड्री ऑफ अदर स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड कंट्रीज। तो पहले हमने एज अ होल बात करी कि हिमाचल प्रदेश किन किन राज्यों, किन किन यूनियन टेरिटरीज और किन कंट्रीज के साथ सीमाएं साझा करता है, लेकिन अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल तौर पे। अब हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे, कौन किस किस राज्यों की सीमाओं को छूता है, किन किन कंट्रीज की सीमाओं को छूता है, किन किन यूनियन टेरिटरीज की सीमाओं को छूता है। तो सबसे पहले बात करते हैं चंबा की। तो चंबा एक राज्य और एक यूनियन टेरिटरी के साथ बाउंड्री साझा करता है। तो आप देख सकते हैं नंबर 1 पे मैंने रखा हुआ है जम्मू कश्मीर और नंबर 2 पे है पंजाब। इन दो के अलावा ये किसी और राज्य या यूनियन टेरिटरी के साथ सीमाएं साझा नहीं करता है। मैप में भी साफ दिख रहा है। नंबर 2 बात करते हैं कांगड़ा की। तो कांगड़ा की बात करें तो इसकी सीमा सिर्फ एक ही राज्य के साथ टच हो रही है और वो है पंजाब। तीसरे में बात करते हैं ऊना की। तो ऊना की बात करें तो ये भी पंजाब की सीमा को ही टच करता है, इसके अलावा कोई और नहीं। बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर भी एकमात्र पंजाब की सीमा को ही टच करता है। अब बात करते हैं सोलन की। तो सोलन की लोकेशन यहाँ पे है और सोलन पंजाब और हरियाणा दोनों के साथ सीमाएं साझा कर रहा है, इसलिए दो राज्य हो जाएंगे,
पंजाब और हरियाणा। अब बात करते हैं सिरमौर की, तो यहां मैप में आप देख सकते हो हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड, ये तीन राज्यों के साथ सीमाएं साझा कर रहा है। ठीक है, शिमला की बात करें तो शिमला एकमात्र उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करता है। किन्नौर की बात करें तो किन्नौर उत्तराखंड और इसके अलावा चाइना के साथ भी सीमा साझा करता है। तो एक राज्य हो गया और एक कंट्री हो गई। ठीक है, लाहौल स्पीति की बात करें तो ये कंट्री और दो यूनियन टेरिटरी के साथ सीमा साझा करता है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चाइना। मंडी और कुल्लू की बात करें तो ये किसी भी बाहरी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, जैसा कि मैप में भी आप देख सकते हो। सो हमने क्या कहा, लद्दाख के साथ कौन सीमा साझा करता है, तो लाहौल स्पीति। जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसके साथ साझा करता है चंबा और लाहौल स्पीति। पंजाब की बात करें तो इसके साथ सीमा साझा करते हैं चंबा, कांगड़ा, ऊना, सोलन और बिलासपुर। हरियाणा की बात करें तो सोलन और सिरमौर। यूपी की बात करें तो एकमात्र सिरमौर। उत्तराखंड की बात करें तो सिरमौर, शिमला और किन्नौर। और चाइना के साथ बात करें तो इसका जो तिब्बत वाला एरिया है उसके साथ सीमा साझा करते हैं लाहौल स्पीति और किन्नौर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अधिकतर सीमाएं पंजाब के साथ ही साझा की जा रही हैं। ठीक है, सो अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट्स शेयरिंग बाउंड्रीज अमंग ईच अदर। चंबा से बात करें तो चंबा देखिए किन किन के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो ये बाउंड्री शेयर कर रहा है कांगड़ा और लाहौल स्पीति के साथ। ठीक है, दूसरी बात करते हैं कांगड़ा की, तो कांगड़ा किन किन के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो सबसे पहले चंबा, फिर लाहौल स्पीति, फिर कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और ऊना। ऊना की बात करें तो ये बाउंड्री शेयर कर रहा है कांगड़ा, हमीरपुर और बिलासपुर के साथ। ठीक है, हमीरपुर की बात करें तो ऊना, बिलासपुर, मंडी और कांगड़ा। इसके बाद बात करते हैं बिलासपुर की, तो बिलासपुर सीमा साझा करता है ऊना, हमीरपुर, मंडी और सोलन। मंडी की बात करें तो मंडी शेयर करता है सोलन, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर और लास्ट में बिलासपुर। ठीक है, सोलन की बात करें तो सोलन, बिलासपुर, मंडी, शिमला और सिरमौर। सिरमौर की बात करें तो शिमला और सोलन। शिमला की बात करें तो मंडी, सोलन, सिरमौर, कुल्लू और किन्नौर। किन्नौर की बात करें तो शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति की बात करें तो किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा और लास्ट में बचता है कुल्लू। तो देखिए कुल्लू किसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, किन्नौर, शिमला, मंडी, कांगड़ा, लाहौल स्पीति। तो हमने क्या कहा, चंबा बाउंड्री शेयर करता है कांगड़ा, लाहौल स्पीति के साथ, यानी कुल दो डिस्ट्रिक्ट्स के साथ। कांगड़ा की बात करें तो ये शेयर करता है चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और ऊना, यानी कुल छह डिस्ट्रिक्ट्स के साथ। ऊना की बात करी तो कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, यानी तीन डिस्ट्रिक्ट। हमीरपुर की बात करें तो कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, ऊना, चार डिस्ट्रिक्ट्स। मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला, बिलासपुर, सोलन, इसने भी कुल छह डिस्ट्रिक्ट्स के साथ सीमाएं साझा करी। तो सबसे ज़्यादा जो शेयर करते हैं वो है कांगड़ा और मंडी, दोनों छः छः डिस्ट्रिक्ट्स के साथ सीमाएं साझा कर रहे हैं। बिलासपुर की बात करें तो मंडी, सोलन, हमीरपुर, ऊना, ये चार डिस्ट्रिक्ट्स के साथ
सोलन की बात करें तो बिलासपुर, मंडी, शिमला, सिरमौर ये चार डिस्ट्रिक्ट के साथ। सिरमौर की बात करें तो शिमला सोलन, शिमला की बात करें तो सोलन, सिरमौर, किन्नौर, मंडी, कुल्लू, पांच हो गए। किन्नौर की बात करें तो शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति, तीन हो गए। लाहौल स्पीति की बात करें तो कुल्लू, किन्नौर, कांगड़ा, चंबा, चार हो गए। और कुल्लू की बात करें तो मंडी, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, कांगड़ा, पांच हो गए। तो मैंने क्या कहा, सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज जो शेयर करते हैं वो है मंडी और कांगड़ा, उसके बाद जो करते हैं वो है कुल्लू और शिमला, दोनों पांच पांच डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। उसके बाद लाहौल स्पीति, सोलन, बिलासपुर और हमीरपुर, ये सभी चार चार डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। और उसके बाद किन्नौर, ऊना, ये तीन तीन के साथ, और लास्ट में सिरमौर और चंबा, दो दो डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अब हम लास्ट में करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड देयर हाइट। बहुत बार एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मोस्टली तो जो डिस्ट्रिक्ट होगी वही उसका हेडक्वार्टर होता है, लेकिन कुछ में क्या है, हेडक्वार्टर और हैं। तो देखिए, जैसे कि कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा का हेडक्वार्टर है धर्मशाला। हाइट की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन अगर आपको इसको याद करना चाहते हो तो बुरा भी नहीं है। हमीरपुर का हमीरपुर, बिलासपुर का बिलासपुर, मंडी का मंडी, ऊना का ऊना, कुल्लू का कुल्लू, चंबा का चंबा, शिमला का शिमला, लाहौल स्पीति का केलोंग, सोलन का सोलन, सिरमौर का नाहन, और लास्ट में किन्नौर का रिकोंगपियो। तो देखिए किन किन के नेम चेंज हो रहे हैं हेडक्वार्टर के केस में, किन्नौर का, सिरमौर का, लाहौल स्पीति का और कांगड़ा का, ठीक है। इनके अलावा बाकी सभी के डिस्ट्रिक्ट नेम और हेडक्वार्टर नेम सेम है। और लास्ट में बात करें हाइट्स की, तो आप इसे यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हो या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।